नमस्कार, मेरे एक्वेरियस यानी कि कुंभराज के मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपकी राशि और फरवरी का मंथ, और ये मंथ आपका मंगलमय हो, ये कामना है। और कहना चाहूँगा कि इस महीने में आपको बहुत रनिंग अराउंड रहेगी, बहुत सारी सोच विचार रहेंगी जो आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करेंगी। आप टायर्ड फील करेंगे, आप रेस्टलेस फील करेंगे। तो ये कहूँगा कि इस महीने में आपको प्रॉपर मात्रा में रेस्ट लेनी है। आपकी प्लानिंग कितनी भी बड़ी हो, आपको उन प्लानिंग के ऊपर काम करना है, का ही ज़्यादा ध्यान है जिनके ऊपर आपको काम करना है। नहीं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा प्लानिंग आपकी बीमारी का कारण बन सकती हैं। आप परेशान हो सकते हैं और लोग आपको एक दीवानों की तरह, जैसे होता ना एक आदमी कहते हैं पगला गया है, तो ऐसी स्थिति होगी। कहते हैं बड़बड़ करने की आदत, बहुत बोलने की आदत इस बार आपकी आपको खराब कर सकती है। तो संयम के साथ, सहजता के साथ काम करने की कोशिश करें। लग्नेश यानी कि आपके राशिपति शनि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। लाभ स्थान में बैठकर आपकी राशि को देख रहे हैं तृतीय दृष्टि से, जो कि नीच दृष्टि होती है। वही मंगल आपके चौथे घर में बैठे हैं, जो भी आपकी राशि को दे रहे हैं यानी कि चौथी दृष्टि, वो भी उनकी नीच दृष्टि होती है। वहीं बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, जो पंचम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं, जो कि अच्छी है। तो कहने का मतलब है कि बहुत कुछ आपके इर्द गिर्द होने वाला है, बहुत कुछ, और आप खुद ही उसके लिए जिम्मेवार होने वाले हैं। आप अपनी तरक्की के लिए और अपने डाउनफॉल के लिए जिम्मेवार होने वाले हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होगा बहुत ज़्यादा एफर्ट। जहाँ बिल्कुल गप्पे मारते रहना, करना कुछ नहीं। कहने का मतलब है कि आपको एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मुझे किस अमाउंट में क्या चीज़ करनी है। रात को बहुत देर रात तक सोते जागते रहना, टीवी के सामने, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, मूवी देखना या जो ही टाइम स्पेंड करना, मुझे लगता है ये हेल्थ आपके लिए अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से आपको एंगर होगा। और सच्चाई बताऊँ, जो ग्रहों की स्थिति वो ऐसा भी दिखा रहे हैं इस बार को आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। तो थोड़ा सावधान है, आपको विजिट करना पड़ सकता है, अपने लिए थोड़ा सावधान है, ये बहुत जरूरी बात है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तो मैं हेल्थ की बात हमेशा पहले लेके आता हूँ। अब हम आ जाए रिलेशनशिप में। बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, बहन भाई, माँ बाप, सगे संबंधी, चाचा ताऊ, पत्नी, बच्चे, कितने रिलेशनशिप हैं। हम सबको एक एक करके जानने की कोशिश। सबसे पहले एक्सटेंडेड फैमिली की बात करें तो आपके एक्सटेंडेड फैमिली, क्योंकि जुपिटर उसके कारक हैं, तो यहाँ दिखता है कि एक्सटेंडेड फैमिली का एक सहयोग आपको मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। भाग्य स्थान में उसका होना अपने आप में एक और भी अच्छी बात हो जाती है। वहीं मैं देख रहा हूँ कि जब एक्सटेंडेड फैमिली है तो उसके बाद आपके बहन भाई आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहन भाइयों के अंदर ईगो बढ़ रही है। वो ईगो जो है वो कहीं ना कहीं आपको खटक रही है, और आप शायद इसी बात को लेकर लगता है कि नहीं नहीं, मुझे आगे निकलना है, मुझे आगे निकलना है, मैं उनसे पीछे कह रहा हूँ। भाई आप आगे ही हैं, आपकी तो राशि ही लाभ की राशि है, लेकिन आप जेलस में, कंपटीशन में, अगर आप उनसे आप कंपटीशन करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आप आगे जरूर बढ़ जाएंगे इस कंपटीशन में, कहीं ना कहीं आपकी सेहत खराब हो जाएगी। और ये उम्मीद करें कि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए कंपटीशन किससे करना है, शरीर को गवाकर, सेहत को गवाकर, बिल्कुल ना करें। बहन भाइयों का ये हमारी बाजुएं होती हैं, कभी ये हमारे नज़दीक होते हैं, कभी हमसे दूर हो जाते हैं। इस बात को आपको समझ के धीरजता से अपनी हेल्थ को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि इसका बुरा असर आपकी हेल्थ के ऊपर ना। वहीं किसी ना किसी बहन भाई के लिए ये समय जो है उसके लिए खर्चे का समय हो सकता है, उनके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं, चाहे वो परिवार में कोई फंक्शन हो जाए या किसी और कारण से खर्चे बढ़ सकते हैं, उनको हेल्थ की कुछ समस्या हो जाए। वहीं कहीं ना कहीं छोटे बहन भाइयों के लिए ये दुर्घटना का कारण भी बन सकती है, क्योंकि वही कहता हूँ ना कि जब हम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद के स्वास्थ्य के साथ खेल जाते हैं, और वही गलती कहीं ना कहीं आप करने वाले, तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। जब बात करता हूँ आपके बच्चों की, जब मसला बच्चों का आ जाता है तो सीधी सीधी सी बात आ जाती है कि आपके पाँचवें घर में मरकरी जो है यानी कि जेमिनी राशि जो है वो आप बन जाती है। जेमिनी राशि के कारक हैं मरकरी, और आपकी राशि से चले गए हैं ट्वेल्थ हाउस में। ट्वेल्थ हाउस वैसे ही वंडरिंग हाउस होता है, वैसे ही बहुत सारी प्लानिंग को खराब करता है। उसमें बुध का वहाँ चले जाना कहीं ना कहीं कुछ दूषित दिखा रहा है, तो संतान की ओर से भी आपको इस बार कुछ चिंताएं होने वाली हैं, शायद ये चीज़ें भी आपको परेशान कर। अब संतान के साथ आप कंपटीशन करेंगे या आप उनके बेहतर फ्यूचर के लिए उनको एक अच्छी गाइडेंस देंगे, तो ये आपने डिसाइड करना है। संतान प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हैं फैमिली बनाने के, परिवार की बढ़ोतरी हो, बच्चा लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। इस समय के दौरान प्रेगनेंसी अगर आ जाती है तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जरूर होगी, बच्चे के साथ या माँ के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन रहेगी, शायद उनको लेके बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े, क्योंकि हॉस्पिटल का एक योग बना हुआ है। और साथ ही साथ कहूँगा कि उनको पढ़ाई के मामले में बहुत सावधान रहना होगा, और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सावधान रहकर वो चीज़ें ये करनी होगी। अब बात आ जाती है आपके पर्सनल रिलेशनशिप की, आपकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में, तो आप देखेंगे कि आपके बिल्कुल सामने
जब हम बात करते हैं तो सिंह राशि के कारकसूर है जो 12th हाउस में चले गए। एक बार फिर से बहुत सारी ग्रहों का 12th हाउस में हो जाना एक ज़्यादा प्रेशर कहीं ना कहीं बिल्डअप करता है। तो यहाँ सूर्य का 12th हाउस में जाना दिखाता है कि आपका आपकी पत्नी से सेपरेशन हो सकता है। झगड़ा अगर आप करेंगे तो सेपरेशन की स्थिति बन जाएगी, तो आप नहीं चाहेंगे कि एक अंडर वन रूफ रहे। अगर आप अंडर वन रूफ हैं तो आपके कमरे अलग अलग हो सकते हैं, इतना भी हो सकता है। तो आपको अपने गुस्से के ऊपर, अपने चीज़ों के ऊपर मेंटेन करना, आपको सामने वाले की बात को भी सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, ये जरूरी है। शादी के लिए ये समय बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप किसी की शादी के को अटेंड करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप जरूर करें, ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन वहाँ अपने जीवन साथी के साथ एक अच्छा बर्ताव करें, ऐसा ना हो कि दूसरे लोगों के साथ बैठकर अपने ही जीवन साथी को इग्नोर कर दें तो घर आने पर आपका कलेश जो है वो शुरू हो जाएगा। आपकी एंगेजमेंट या शादी के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और प्रेम संबंधों की बात करूँ तो इस समय में तौबा करिए। प्रेम संबंध जो है जिसको आप सोच रहे हैं उसके दिमाग में पहले से ही कोई और बैठा हुआ है। आप सोचते हैं कि ये लड़की मुझे पसंद है, लेकिन लड़की किसी और लड़के को ही पसंद कर रही है। आप लड़की को लगता है ये लड़का मुझे अच्छा लगता है, लेकिन लड़का किसी और लड़की को, तो इस तरह की एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। फिर उसमें लेट डाउन, फिर वही सब झगड़ा रफड़ा चलता रहेगा। तो मैं कहूँगा नहीं नहीं, आप तो समझदार हैं, आप हर चीज़ को जानते हैं, आपके पास तो सिक्स सेंस है, आपके पास इंट्यूशन है, आप जल्दबाजी कर ही नहीं सकते। लेकिन कई बार हो जाता है, जब समय की स्थितियाँ बदलती हैं तो निश्चित तौर पे ये सारा कुछ हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करना किसकी जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी आपकी बनती है। और उसके बाद जो भी घर गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो निश्चित तौर पर जब मैं घर गाड़ी की बात करता हूँ तो यहाँ आपके खास तौर पर गाड़ी के ऊपर खर्चे होने के योग हैं। वहीं प्रॉपर्टी को लेकर हल्का सा कोई झगड़ा, पारिवारिक झगड़ा जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। थोड़ा सावधान है, अगर आप घर के अंदर कोई काम करवाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के करें, क्योंकि ये खर्चा बढ़ाएगा और साथ ही साथ किसी झगड़े को भी जन्म देगा। जहाँ ये कहें कि परिवार के दो लोग उस बात से एग्री नहीं होंगे और उसमें झगड़ा हो जाएगा, तो सावधानी पूर्वक इस चीज़ को करें। अब बात आ जाती है कि ये खर्चे होंगे तो कैसे होंगे। जॉब के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से ही हमें पैसे मिलते हैं। तो सिक्स हाउस या 10th हाउस या 2nd हाउस ये बहुत बढ़िया, 11th हाउस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जब मैं देखता हूँ तो ये दिखाई देता है कि जॉब, जी हाँ, जॉब में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हो सकता है कि पैसे इतने ज़्यादा ना मिले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल पैसों की कोई बात नहीं है। हमारी तो एक कहावत है कि पैर रखने के लिए जगह मिले फिर हम महल अपने आप बना लेंगे। तो इस समय जॉब मिल जाना ही सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि होगी, उसके लिए आप काम करें। और उसके बाद जो लोग जॉब में ऑलरेडी हैं, जॉब कर रहे हैं या जॉब में हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समय आपको जो सबसे जरूरी बात है कि आपकी प्रोग्रेस दिखाई दे, क्योंकि आपके जॉब के कारक जो हैं वो जॉब में ही बैठे हुए दिखाई दे। तो एक रेपुटेशन में राइज, जो कंपटीशन आप दिखा रहे हैं दूसरों के साथ, वो कंपटीशन जरूर आपको स्टेटस वाइज आपको हाई लेके जाएगा, आपको राइज करेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। नए वेंचर्स, नई रीज आपकी होंगी, उसका आप पूरा लाभ रहे। और इसी वजह से जो लोग बिजनेस में, उनको खासतौर पर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनको बहुत सारी यात्राएँ जो है इस मामले में करनी पड़ सकती हैं, तो यात्राओं का सिलसिला भी है। तो कहने का मतलब है धन की वृद्धि तो होगी, लेकिन साथ साथ खर्चे भी आपको करने पड़ेंगे, आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, आपकी हेल्थ के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति स्टेबल दिखाई दे रही है, उसमें राइज होगा, लेकिन साथ साथ खर्चे बढ़ेंगे और खर्चे जो है आप धन को ही बढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपका भाग्य ये कहें कि आपके पास दो चाबियाँ हैं इस बार, जो हमेशा सबके पास होनी चाहिए, एक कर्म की चाबी है और दूसरी भाग्य की चाबी है। दोनों ही काम करने के लिए तैयार है, बस आपको अब सही दिशा से इनका उपयोग करना है, सही समय पर उपयोग करना है। तो समझ लीजिए ये आपकी एक बड़ी लॉटरी लगने वाली है। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आज जो मैं आपके वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। बहुत सारे सवाल जो है मैंने इसमें आपके कवर करने की कोशिश की है और आपको साथ साथ बताया कि सहज पके सो। आप बहुत ज़्यादा एक साथ गर्म गर्म खाएंगे तो जीभ जलेगी, ऐसा ना करें। हल्का हल्का चीज़ों को करते रहें, बैठे नहीं, ये बात जरूरी है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई हमें एक सर्टन अमाउंट में सब्सक्राइबर चाहिए, सब्सक्राइबर जो है वो चाहिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और मैं ये कहूँगा कि आपके सामने आपकी जानकारी, आपकी राशि के मैं लेके आता रहूँ, इसके लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, जरूर करें। और अपनों से मैं ये कह सकता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हैं कि आप मेरे अपने हैं, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूं कि निश्चित तौर पे आप इसमें मेरा सहयोग देंगे। और अब अगली वीडियो जो होगी वो मार्च महीने में आपकी राशि के लेके हाजिर हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।